अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हाँ साहब, मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुम उसे छोड़कर भाग क्यों गई? और ये क्या है? अरे हो क्या गया है तुम्हें? सर, सर वो गाड़ी, उसमें औरत। औरत? हाँ सर, अभी अभी जो नीली गाड़ी मैंने देखी उसमें गन थी सर। गन? हाँ सर, वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था उसके हाथ में गन थी और जो बगल में उसकी औरत बैठी हुई थी ना उसपे उसने गन तानी हुई थी सर। सर हमें लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए। कशिश जाने दो, देखो पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। सर, सर मगर वो औरत जाते जाते पुलिस चिल्ला रही थी सर। सर हमें उस औरत को बचाना चाहिए सर। सर हमें CID को बुलाना चाहिए। अरे दया सर, आओ हुजूर आओ, आपके बिना तो इस महफिल में कोई रंग ही नहीं था। बैठो 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 बैठो। लेकिन सर आपको तो आराम करने की सलाह दी गई थी। ओहो, अरे उसे आने तो दो, आते ही उस पर चढ़ने लगे तुम लोग। अरे आज मेरा घायल सिपाही इतने दिनों बाद मैदान में फिर से उतरा है, उसका दिल खोलकर स्वागत करो। और दया कैसे हो? सर घर बैठे बैठे बोर हो गया सर। अच्छा, कोई और वजह तो नहीं थी? हाँ, सोचा ज्यादा काम होने की वजह से प्रेटेक्स रोएगा तो। क्या बात कर रहे हो सर, अभी भी हाथ पैर में दम है। अच्छा, कल तो कह रहे थे कि दया के नहीं होने की वजह से बहुत काम करना पड़ता है, थक जाता हूँ। फ्रेडरिक्स, तुम ऐसा कह रहे थे? हाँ? अब जाने दीजिए ना सर, यहाँ पे मेरा मुंह खोलने से सबके पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। दया, इन क्रचेस के सहारे काम तो कर पाओगे ना? सर सिर्फ भाग नहीं सकता, दिमाग तो चल रहा है ना। That's it. तुम्हें भागने की क्या जरूरत है, भागने के लिए फेडरिक्स है ना? Yes. हाँ, जहां तक दिमाग का सवाल है वो तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। हाँ? दे, डॉक्टर के पास होकर आए। हाँ सर। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। कौन सा पेट्रोल पंप है? ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कहता हूँ नीचे उतरो। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे हाथ जोड़ के मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दो प्लीज। तो मैं छोड़ दूं? हाँ, ताकि तुम मुझे मार दो। मैडम इतना बेवकूफ मैं नहीं हूँ, तो मरने की तैयारी करो। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। सर इतने सारे लोग हैं इस पेट्रोल पंप पे और किसी ने नहीं देखा कि उस आदमी ने हाथ में गन पकड़ी हुई थी, इसे कैसे दिख गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप अपने दिल का डर इस पर मत थोपिए, ये एक बहादुर लड़की, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। कशिश, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें यहाँ बुला लिया, वरना आजकल तो लोग अपने आप को इन चीजों से दूर रखते हैं। तुम बताओ। मैं वहाँ अपना शेल्फ ठीक कर रही थी, तभी मैंने वहाँ देखा एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें एक आदमी और औरत थे और उस आदमी के हाथ में गन थी
मैं उस गाड़ी के पीछे दौड़ी पर वो गाड़ी बहुत तेजी से निकल गई। पर हाँ, उस औरत को मैंने देखा था। तुमने उसकी आवाज सुनी थी या सिर्फ होठ हिलते हुए देखे थे? मैंने आवाज तो नहीं सुनी क्योंकि गाड़ी बंद थी, उसके होठ हिल रहे थे ऐसे। प्लीज, ये औरत जरूर कोई मुसीबत में होगी। दिखने में कैसी है औरत? सर, उसने कैप पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और हाँ सर, उसने बिच्छू पहने हुए थे अपने कानों में। बिच्छू पहने हुए थे? जिंदा? नहीं मैम, उसने बिच्छू के डिजाइन के इयररिंग्स पहने हुए थे, सोने के, और उस पे डायमंड लगे हुए थे। अच्छा, तुमने उस ड्राइवर को देखा ना जिसके हाथ में गन थी? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? सॉरी सर, मैं उस ड्राइवर को ठीक से देख नहीं पाई। गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं मैम, मैं वो भी नहीं देख पाई। उस गाड़ी पे बहुत धूल लगी हुई थी। अरे किसी ने तो देखा होगा, हैं? किसी ने नहीं। पेट्रोल कहाँ पे भरा है उसने? सर वहाँ पे। सुनो। जी सर। तुमने पेट्रोल भरा था उस नीली गाड़ी में? जी सर। गाड़ी का नंबर नहीं देगा? जी नहीं सर। ड्राइवर को देखा? जी नहीं, पर उसने अपने हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तब देखा मैंने वो ब्रेसलेट। उसने जल्दी जल्दी पैसे दिए। हेलो, क्या मर गया? गाड़ी ने मार दिया? ओहो, हाँ हाँ, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी पूछताछ बाकी है, हम लोग अभी आते हैं। या मिशन रोड पे एक हिट एंड रन का केस हुआ है, एक आदमी मर गया है, लगता है किसी गाड़ी ने कुचल दिया उसे। कशिश, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आएंगे तुम्हारे पास। ओके, थैंक यू सो मच। मिशन रोड पे हिट एंड रन, वहां तो ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, फिर ये आदमी गाड़ी से कैसे मर सकता है? इसीलिए तो बुलाया हम लोगों को, शायद ये एक्सीडेंट का केस नहीं है। ये तो वही आदमी लगता है, पेट्रोल पंप वाला। ये वही आदमी है जिसने बिच्छू वाली औरत को किडनैप किया था? यस, उस पंप वाले लड़के ने बोला था इसके हाथ में एक ब्रेसलेट था, ये देखिए। मगर इसने उस औरत को किडनैप किया और खुद मर गया? इसकी गन कहाँ है? देखो फ्रेडरिक्स, देखो जरा आसपास गन है क्या? अभिजीत सर, देखो इसे गोली वोली लगी है क्या? इधर से तो कुछ दिख नहीं रहा है। पलटो इसे। ओह माय गॉड, ये देखिए सर, यहाँ सर पे बहुत बड़ा घाव है। हाँ, ये गोली लगी है या कुछ और, ये देखना पड़ेगा। अभिजीत, ये टायर के मार्क्स देखें, दो दो हैं। लगता है ये पहली बार नहीं मरा तो दोबारा इस पर गाड़ी चढ़ाई गई। यस सर। सर, हाँ? गन तो कहीं दिख नहीं रही। जेब में से सारी चीजें निकाल ली गई हैं, मगर ये ब्रेसलेट उतारना भूल गए सर। इस ब्रेसलेट से इस आदमी की पहचान हो सकती है सर। ये कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है सर, ये देखिए। हार्ट पेशेंट, या इमरजेंसी 4596392। ये एक मेडिकल ब्रेसलेट है सर, ताकि इस आदमी को कुछ हो जाए तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। अभिजीत, इस नंबर पे फोन करके देखो, 4596392। सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल,
मुस्कान, ये गर्ल्स हॉस्टल है, वो आदमी यहीं पर काम करता था? जी सर। कहीं गलती तो नहीं कर रही हो? नहीं सर, उस आदमी का नाम गगन था, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था और यहीं पर रहता था। गर्ल्स हॉस्टल में काम, चलकर देखते हैं। और इसकी डिटेल्स उनको। जी कहिए। हम सीआईडी से हैं। जी मेरा नाम किम है, मैं यहाँ की सेक्रेटरी हूँ, आप बोलिए। हमें गगन के बारे में पूछताछ करनी है। गगन जी के बारे में? उनके बारे में आपको क्या पूछना है? दरअसल बात यह है कि उनका खून हो गया है। खून? गगन जी का? उन्हें किसी गाड़ी से कुचल के मार दिया गया। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप? जी ये रश्मि है, ये गगन जी के साथ काम करती थी। आप काम करती थी गगन के साथ? कुछ अंदाजा होगा आपको कि उनका खून कौन कर सकता है? उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी नहीं, उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी, वो तो अपने काम से काम रखते थे, बहुत हार्डवर्किंग थे वो, और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे, भला उन्हें कोई क्यों मारेगा? वैसे काम कब से करते थे गगन यहाँ पर? जी यही कोई एक दो महीने पहले आए थे। आपने बिच्छू का नाम सुना है? बिच्छू? जी बिच्छू। यहाँ तो कोई बिच्छू नहीं है। क्या आपने कभी कोई ऐसे इयररिंग्स देखे हैं, कान के बाले जिस पर बिच्छू बना हुआ हो, सोने का इयररिंग जिस पर डायमंड्स लगे हुए हैं? देखिए मैडम, ये वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल है, यहाँ इतने महंगे इयररिंग कोई भी नहीं पहनता। ओ, सुना है गगन यहीं पर रहते थे? जी सर। क्या आप उनका कमरा दिखा सकती हैं हमें? जी हाँ, चलो। चलिए। बोलो। सीआईडी वाले आए थे क्या? गगन की बात के बारे में पूछताछ कर रहे थे, किसी औरत के बारे में पूछ रहे थे जिसने बिच्छू वाले इयररिंग्स पहने थे, और क्या कह रहे थे? आखिरी बार गगन के साथ उसी को देखा गया था, बिच्छू वाले इयररिंग्स। ठीक है, तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? ओके। सर ये गगन जी का कमरा, आइए। सर यहाँ से जरूर कुछ मिल जाएगा। एसीपी प्रद्युमन यहाँ? कहाँ पे? लिंक रोड पेट्रोल पंप पे। 20-22 साल की लड़की, उसे हॉस्पिटल ले गए? ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हाँ सर, ये तो वही पेट्रोल पंप है जहां पे कशिश काम करती है। लगता है कशिश को किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया। विवेक, मुस्कान सर, तुम लोग गगन का कमरा अच्छी तरह से चेक करो। अभिजीत, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। हेलो सर। कशिश कैसी? दरअसल कार का इंपैक्ट इतना जोर का था कि उसको सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। बाहर से खून बहना तो बंद हो चुका है लेकिन अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है। तो बात कर सकेगी? पूछ के देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो। सिस्टर, प्लीज एक्सक्यूज।
कशिश, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। कैसे हो बेटा, किसने किया ये सब? वो नीली गाड़ी ने मारा। नीली गाड़ी ने? नीले रंग की गाड़ी थी? मैं पहले वाली गाड़ी। पहले वाली कौन सी? हाँ, कौन सी पहली वाली? आकाश बताओ, बताओ कौन सी पहली वाली? वो बिच्छू की ईयरिंग वाली, बिच्छू की ईयरिंग पहने औरत ने। बिच्छू की ईयरिंग वाली? कशिश, 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कशिश एक बहादुर लड़की थी, उसकी मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमें उस नीले रंग की गाड़ी वाले को ढूंढना ही होगा। जिस आदमी पर हमें शक था वो तो मर गया। सर, पहले कशिश को वो औरत दिखती है बिच्छू ईयरिंग वाली, और उसके बगल में वो आदमी बैठा है जिसके हाथों में गन है, गगन। फिर गगन खुद मारा जाता है, गाड़ी मार के भाग गई, और कशिश को भी उसी तरह मारा गया। सर, सर, जिस औरत को कशिश ने उस गाड़ी में देखा था वो कहाँ गई? और अगर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था तो उसने कशिश की ओर इशारा क्यों किया कि पुलिस को बुलाओ? आखिर ये बिच्छू ईयरिंग वाली लड़की है कौन? प्रॉब्लम एक और है। गगन ने गन दिखाई और वही मारा गया, उसे किसने मारा? जिसके लिए शुरू हुआ फसाना वही होएगा। इस बात पे एक शेर सुनाओ सर। शेर सुनाओगे? चलो सुनाओ। अर्ज किया है, अर्ज किया है, ये वो क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। यही तो मेरी लाइफ की ट्रेजेडी है सर। जब भी दिल करता है कोई शेर सुनाऊं, शेर याद ही नहीं आता। शेर तो छोड़ो सर, शेर की दुम भी याद नहीं आती। मगर एक बात है, उस आदमी ने उस औरत को गन दिखाकर किडनैप किया। मगर कोई किसी को किडनैप करके पेट्रोल पंप ही क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा। एग्जैक्टली, एक ही तरीका है उस गाड़ी तक पहुंचने का, पेट्रोल पंप। वहीं से पता चल जाएगा उस नीली गाड़ी का क्या चक्कर है। अच्छा, तुमने बताया कि ड्राइवर बहुत जल्दी में था, हैं? सर, मैंने जो कुछ भी बताया सर, उसे भूल ही जाना चाहता हूँ सर। सर, कशिश मैडम ने बताया था, तो देखिए ना क्या हाल हुआ उनका। सर, कोई मुझे भी मार देगा सर। नहीं नहीं नहीं, डरो मत, समझे? कशिश ने जो कुछ किया वो शायद कोई और नहीं करता, वो एक बहादुर लड़की थी। जिस किसी ने भी उसे मारा है हम लोग उसे ढूंढ के ही छोड़ेंगे, और आपको हमारी मदद करनी चाहिए उसे पकड़वाने में, हैं? सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। डरो मत, हम लोग हैं ना। देखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, समझे? क्या सर, कशिश मैडम तो मारी गई ना सर। हम लोग हैं ना। देखो, अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पूरी रात बैठने को तैयार हूँ, ओके? ये बताओ कि उस आदमी ने गाड़ी में कितना पेट्रोल भरवाया था? 4 लीटर। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आदमी इतनी जल्दी में था कि अपना बिल लेने तक नहीं रुका, और सर निकल गया। 4 लीटर में? 4 लीटर में कितना दूर जाएगा? गाड़ी कौन सी थी? सीएलओ, पुरानी थी सर। सीएलओ? अगर 1 लीटर में गाड़ी 10 किलोमीटर भी चली है तो ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर चली होगी। 40? जो आदमी कार में बैठा था गन लेके, उसी की लाश मिली है? हाँ, तो कम से कम वो वहां तक तो गया है जहां पे उसकी लाश मिली। मुस्कान, जरा मैप निकाल। जी सर। क्या साहब, एक सीआईडी वाला खुद बैसाखी पे चल रहा है, ये क्या बचाएगा मुझे साहब? बच्चे, इनका नाम दया है, दया।
ये क्रचेस के साथ में भी 10 लोगों से एक साथ फाइट कर सकते हैं, समझे? अच्छा, क्या यहाँ पे उस आदमी की लाश मिली है और ये पेट्रोल पंप, ये रहा। यहाँ से वहां तक जाके देखते हैं कितना किलोमीटर है। सर, पेट्रोल पंप से यहाँ तक 30 किलोमीटर, और गगन ने पेट्रोल पंप पर 4 लीटर पेट्रोल भरा था जिससे गाड़ी 40 किलोमीटर ही जा सकती है। मतलब वो यहाँ से ज्यादा और 10 किलोमीटर तक जा सकती है सर। राइट, जरो मैप दिखा। ये रहा पेट्रोल पंप और ये रहा ये मर्डर स्पॉट। सर, जहां तक मुझे मालूम है इसके आगे 20 किलोमीटर तक तो कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं। अगर वो गाड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे गई होगी तो बंद पड़ गई होगी। इसका मतलब है कि वो गाड़ी इस मर्डर स्पॉट से 10 किलोमीटर के रेडियस में ही मिलनी चाहिए। एक बार वो कार मिल जाए तो वो कार हमें सब बता देगी कि किसने खून किया है। वो कैसे? अरे सर, हमारे पास तो गूंगे भी मुंह खोल देते हैं, फिर ये तो गाड़ी है। Let's go. सर, वो देखिए सर, वहां पर धुआं आ रहा है सर। अभिजीत, सर नीचे जाके देखो। गाड़ी के अंदर कोई है? नहीं सर, गाड़ी में कोई नहीं है। फ्रेडरिक, अब गुंगी गाड़ी के साथ बातें करना शुरू करो। अरे यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे शर्म आ रही है, इसे सीआईडी गैरेज ले चलते हैं, वहाँ पे इससे मैं बुलवा लूंगा। गाड़ी ऊपर से और अंदर से तो पूरी जल गई है। देखते हैं इसके नीचे और फेंडर पे शायद कुछ मिल जाए। अगर इस गाड़ी से उस बेचारी लड़की को उड़ाया गया है तो इसके फेंडर पे उसके कपड़ों का फाइबर जरूर मिलना चाहिए। सर, उस लड़की की थाई पे चोट लगी हुई थी और कपड़ा भी फटा हुआ था, शायद इस फेंडर पे उसकी खाल भी हो। होनी तो चाहिए। देखो, ध्यान से देखो। तुम और विवेक इस गाड़ी के आगे के टायर्स के प्रिंट्स निकालो। यस सर। विवेक, वो पेपर लाना। यस सर। ये यहाँ पे कुछ है यहाँ पे। मुस्कान सर, जरा होल्ड करना, दे जरा लाइट देना, यहाँ पे कुछ है। इधर से इधर देखा। या गॉट इट। इस फाइबर का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके कपड़ों का था। सर, टायर का मार्क। गुड, इस प्रिंट को शर्ट से मिला के देखो जो गगन के डेड बॉडी से मिली। यस सर। विवेक सर, नीचे कुछ मिला क्या? नहीं सर, नीचे कुछ नहीं है। मुस्कान सर, गाड़ी को नीचे ला और बोनट देखे जरा, इंजन कैसा दिखता है। सर, अगर ये दोनों सबूत, ये फाइबर और ये टायर का निशान मैच हो गए तो कम से कम ये पक्का हो जाएगा कि दोनों खून इसी गाड़ी से किए गए। सुना है फॉरेंसिक में कोई नई डॉक्टर आई? हाँ, डॉक्टर अलका, थोड़ा शांत स्वभाव की है। चलो, कम से कम एसीपी साहब का दिमाग थोड़ा ठंडा तो रहेगा। सर, इंजन देख लीजिए। गाड़ी जल गई पर इंजन नंबर नहीं मिटाया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस इंजन नंबर से गाड़ी के मालिक का पता लगाया जा सकता है।
मिला कहां से आपको? गाड़ी ढूंढ के निकाली, बाकी गाड़ी तो जल गई थी, सिर्फ टायर्स और फेंडर बचे थे। और आपको तो पता ही होगा कि मरे हुए आदमी का नाम गगन है। हाँ, इस आदमी के ऊपर 2 बार गाड़ी चढ़ाई गई है, देखिए। और ये दोनों टायर के मार्क्स बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है कि गगन का खून इसी गाड़ी से किया गया है। और ये जो फाइबर मिला था फेंडर में से, इसका क्या हुआ? ये फाइबर कशिश के कपड़ों से ही निकला है, देखिए। ये जो कशिश की पैंट है, देखिए, ये फाइबर इसी पैंट से निकला है। तो मतलब अब साफ है, ये दोनों खून इसी गाड़ी से किए गए। सर, इंजन का नंबर है हमारे पास, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी है किसकी। कर रही थी, आओ अंदर आओ, दरवाजा बंद कर दो। सर, जिस कार से दोनों खून हुए हैं वो कोई मामूली कार नहीं है, वो एक वीआईपी कार है। वीआईपी कार? जी, एक बहुत बड़ी सोशलाइट है सुचित्रा, उसी के नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है। कंफर्म है कार सुचित्रा की है? कार के इंजन नंबर से पता चला है सर, कंफर्म्ड है। और सर, इन्होंने ही वो सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल बनवाया है। सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल? अरे, ये सुचित्रा गर्ल्स हॉस्टल वही है ना जो? जी सर, वही जहाँ पे गगन काम करता था। एक मिनट, गगन का खून सुचित्रा जी की कार में हुआ है, और गगन सुचित्रा के हॉस्टल में काम करता था, और गगन ही कार में बैठा था गन लेके। इसका मतलब गगन ने अपनी एम्प्लॉयर को किडनैप किया उन्हीं की कार में, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब देने से पहले ही गगन मर गया। सॉरी सर, गगन का मर्डर हो गया और सुचित्रा गायब है। पहले गगन का मर्डर हुआ, फिर उसी कार से बेचारी कशिश मारी गई। सुचित्रा पेट्रोल पंप पर बोल के गई कि पुलिस को बुलाओ, और अब खुद गायब है। जब तक हम सुचित्रा से बात न करें, उसके घर न जाएं, तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ उसके साथ। चलो जरा सुचित्रा के घर चलो। दरवाजा खुला है। सुचित्रा जी, सुचित्रा, सुचित्रा जी, मैंने कहा था ना सर, लाश जरूर मिलती है। फ्रेडरिक, यू आर रॉन्ग, ये जिंदा है। क्या? इनके कान में से किसी ने इयररिंग्स खींच के निकाले? वही होंगे, बिच्छू वाले। सर, इनकी पल्स बहुत वीक है। माय गॉड,
स्लीपिंग पिल्स? लगता है किसी ने इन्हें जबरदस्ती नींद की दवाई खिलाई है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो इन्हें। बिच्छू क्या? सर, घर की सारी चीजों पर बिच्छू बने। बिच्छू क्या? बिच्छू क्या? बिच्छू वाली चीजों में से किसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी। जरा देखो क्या हो सकता है। रिंग्स के दोनों वही है। गोल्ड स्कॉर्पियन इयररिंग्स। दो दो इयररिंग्स? सुचित्रा जी ने दो दो बिच्छू वाले इयररिंग्स बनवाए थे। इसका मतलब किसी और के पास भी वो दूसरे वाले बिच्छू के इयररिंग्स हैं। स्कान बिल में जो ज्वेलर का एड्रेस है वहां से पता चल जाएगा किसके लिए थे वो इयररिंग्स, किसके पास है वो बिच्छू के दूसरे गोल्ड इयररिंग्स। आइए साहब, क्या सेवा करूं आपकी? क्या आप सुचित्रा जी को जानते हैं? सुचित्रा जी को कौन नहीं जानता। क्या आपको उन्होंने भेजा है? हम लोग सीआईडी से हैं। सुचित्रा जी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सीआईडी से? कुछ गड़बड़ है क्या? सुचित्रा जी हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है और उनके सारे जेवर मैं ही बनाता हूँ। देखिए, सुचित्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो गई है। कब हुआ ये? किसी ने उनका खून कर दिया। देखिए, हमें भी ये खबर सुन के बहुत धक्का लगा, मगर हमें कुछ पूछना है आपसे। कहिए। आपने कभी सुचित्रा जी के लिए बिच्छू वाले इयररिंग्स बनाए थे क्या? सुचित्रा जी को बिच्छुओं से बहुत प्यार था, उन्होंने तो बिच्छू वाले इयररिंग्स, ब्रेसलेट और लॉकेट भी बनवाए थे। हमें ये बिल सुचित्रा जी के पास से मिले हैं, इसके मुताबिक उन्होंने दो जोड़ी बिच्छू वाले इयररिंग्स बनवाए हैं। जी हाँ, बनवाए थे। दो क्यों बनवाए थे उन्होंने? सुचित्रा जी कह रही थी कि उनकी सहेली को बहुत अच्छे लगे थे बिच्छू, इसलिए वो उसे गिफ्ट करना चाहती थी। शायद 15 अगस्त को देने वाली थी। ये 15 अगस्त को क्यों? वो कह रही थी 15 अगस्त को कोई फंक्शन था। फंक्शन? दो लोग मारे गए और सबसे आखिर में उनके आसपास उस बिच्छू वाली औरत को ही देखा गया था, पर उस बिच्छू वाली औरत का ही खून हो गया। सर, वो खून इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बिच्छू वाली औरत है ही नहीं। फिर दिमाग चलाया तुमने? माना कि मेरा दिमाग कभी कभी चलता है, मगर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बिच्छू के इयररिंग्स वाली औरत कोई और ही है। कौन है सर? अभी तक नहीं समझे? नहीं सर। मैं बताता हूँ, कभी कभी फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले को भी जगाना चाहिए, समझे? सर, पेट्रोल पंप पे जो औरत पुलिस कह रही थी वो वही औरत है सर, जिसे सुचित्रा जी ने बिच्छू वाले रिंग्स दिए थे। और सर, वो सुचित्रा जी की खास दोस्त ही होगी। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, क्या तुम ये सुचित्रा जी की अपॉइंटमेंट डायरी लेकर आई हो? हाँ जी सर। गुड, अब देखो 15 अगस्त का पेज खोलो और मुझे बताओ उस दिन सुचित्रा जी ने कौन सा फंक्शन अटेंड किया था। सर, उस दिन उन्होंने अपने ही हॉस्टल का फंक्शन अटेंड किया था, गर्ल्स हॉस्टल का। उन्हीं के हॉस्टल में? कौन कौन आया था इस फंक्शन में? सर, हॉस्टल का पूरा स्टाफ था और सारी लड़कियां। और बाहर से कोई नहीं था? नहीं सर, बाहर से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसका मतलब है सुचित्रा जी ने वो इयररिंग्स हॉस्टल में से किसी लड़की को गिफ्ट दिए थे। हो सकता है हमारा खूनी हॉस्टल में ही हो। सर, वहीं पे चलते हैं। विल डेफिनेटली गेट लकी दिस टाइम। Excuse me. Yes. देखिए, हम लोग CID से, हमें यहाँ की तलाशी लेनी।
हमारे कमरों की तलाशी? जी, दरअसल बात यह है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, एक बिच्छू वाली इयररिंग्स ढूंढ रहे हैं। पर सर, ये हमारी प्राइवेसी का सवाल है, आप हम लड़कियों के कमरे में इस तरह से अंदर नहीं घुस सकते। ये मानता हूँ कि ये आपकी प्राइवेसी का सवाल है, लेकिन कातिल को ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। तीन तीन खून हो चुके हैं जी, तो आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। ओके सर, थैंक यू, कम ऑन गर्ल्स। यहाँ की एक एक चीज अच्छी तरह से देखो, कोना कोना छान मारो, वो बिच्छू वाली इयररिंग्स यहीं मिलनी चाहिए। सीआईडी वाले यहाँ तक पहुँच गए, अगर ये इयररिंग्स उनके हाथ में आ गए तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे इन इयररिंग्स को खत्म करना ही होगा। सारे हॉस्टल को आग लगा दूंगी। नहीं तो कल इस हॉस्टल को गिरना ही है, फिर आज ही क्यों नहीं? गगन ने मिलकर हॉस्टल की सारी प्रॉपर्टी बिल्डर को बेच दी थी, किसी को पता नहीं चला था। बिल्डर ने सारे पैसे गगन को दे दिए। तो तुमने उसका खून कर दिया? जब मैंने गगन से पैसे मांगे तो उसने मुझे किडनैप कर लिया, वो मुझे मारना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अब मरने की तैयारी करो। जब मैंने देखा कि अब मैं छुप नहीं सकती, मैंने पूरे हॉस्टल को खत्म करने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना बचे। खत्म कर भी देती तो भी तुम बच नहीं सकते। इतना आसान है दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच देना? हाँ, पैसों की लालच में खून पर खून किए जा रही, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। Oh.